1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कहां है? एक बार फिर से पाकिस्तान झूठ पर उतर आया है। पहले पाकिस्तान ने मान लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, लेकिन जब मीडिया में खबर आई, इस पर खबरें चलने लगी, पाकिस्तान ने बेशर्मी से पलटी मार ली। अब पाकिस्तान का कहना है कि उसकी जिस सूची को पाकिस्तान का कबूलनामा बताया जा रहा है, वो दरअसल यूएन की सूची है जो वो समय समय पर जारी करता रहता है। उस सूची का मीडिया ने गलत मतलब निकाला है। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान की हां ना, पहले दाऊद के पाकिस्तान में होने का किया कबूलनामा, फिर अपने ही दावे से पलट गया पाकिस्तान। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान ने ऐसा रंग बदला है कि गिरगिट भी शर्म आ जाए। कल पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के कबूलनामे के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अपने ही कबूलनामे को खारिज कर दिया। पाक विदेश मंत्रालय का अब कहना है कि डी कंपनी का सरगना उसके देश में होने की बात झूठी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि 18 अगस्त 2020 में दो वैधानिक नियामक आदेश SRO जारी किए थे, जिनमें तालिबान, इस्लामिक स्टेट्स और अलकायदा के प्रतिबंधित आतंकियों की सूची थी। इस लिस्ट में प्रतिबंधित आतंकियों के नाम और उनके बारे में जानकारी थी। ये सूची समय समय पर जारी होती है। ऐसे में ये मतलब निकालना गलत है कि इस SRO के जरिए कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही ये दावा भी बेबुनियाद और भ्रामक है कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि एक खास व्यक्ति पाकिस्तान में है। यानी पाकिस्तान के मुताबिक उसने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वैधानिक सूचना को फिर से प्रस्तुत किया है। इसमें उसकी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। साफ है, पाकिस्तान फिर झूठ बोल रहा है। डेकेड्स से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज बोल रही हैं और बाकी दुनिया भर की जो मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जानती हैं कि दाऊद इब्राहिम ISI का सबसे बड़ा मोहरा है और तमाम जो लॉजिस्टिक्स हैं टेररिस्ट ऑपरेशंस की वो दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क हैंडल करता है। सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि दाऊद उसकी सरजमी पर नहीं है तो उसे यूएन की सूची हूबहू जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो संयुक्त राष्ट्र की आंखों में भी धूल झोंकना चाहता है? सवाल ये है कि जब आप एक इस तरह के गुनहगारों को अपने आप आपने सहारा दिया, अपने आप पनपाया, उसके बाद अब आप इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहते। अब आप ये कहते हैं अच्छा प्रॉपर्टी है उसकी। अब पहले आपने कहा उसामा बिन लादन से लेकर हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर हर किस्म के अपराधियों को पाला गया, पोसा गया, खड़ा किया गया। हिंदुस्तान के खिलाफ जाइए, काम करिए, हिंदुस्तानियों को मारिए। तो जब तक ये आइडेंटिटी आपकी बदलेगी नहीं तब तक वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। और फिर आप ये कह दें कि देखिए भारत जो है आइसोलेट हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस लिस्ट को यूएन की लिस्ट बताकर दाऊद को लेकर पलटी मार रहा है उसमें दाऊद के साथ कुल 88 कुख्यात आतंकियों के नाम हैं। इस लिस्ट में दाऊद के अलावा हाफिज सईद, मसूद अजहर, मुल्ला फजलुल्ला जैसे नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। लिस्ट में ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा है बल्कि ये भी बताया गया है कि दाऊद कराची के अपने बंगले व्हाइट हाउस में रहता है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दाऊद के सारे चल अचल संपत्ति जब्त करने और उसके बैंक खाते सील करने और उस पर शिकंजा कसने का भी हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान ने 18 अगस्त को इस सिलसिले में दो नोटिफिकेशन जारी कर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने की बात कही। तक के इन लोगों को अरेस्ट करके इन सभी लोगों को जिस जिस देश के हैं ये लोग या ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस देश में काम कर रही हैं वो जहाँ इन लोगों ने क्राइम किए हैं उन देशों में हवाले करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को या मसूद अजहर को, लखवी या इस तरह की एक लंबी लिस्ट भारत उनको दे चुका है उन आतंकवादियों के, जब तक वो भारत के हवाले नहीं किए जाएंगे ये सब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। पाकिस्तान ने अपने दस्तावेजों में दाऊद का पता
व्हाइट हाउस नियर सऊदी मॉस्क क्लिफ्टन इन कराची लिखा है, जबकि उसके दूसरे प्रॉपर्टीज में हाउस नंबर 37, 30th स्ट्रीट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची और पलाटियल बंगलो इन द हिली एरिया ऑफ नूराबाद इन कराची का जिक्र है। लेकिन पाकिस्तान अब इस कबूलनामे को मीडिया द्वारा SRO का गलत अर्थ निकालने की बात कहकर पलट चुका है। पाकिस्तान की झूठ की सबसे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के लिस्ट में ना दाऊद है ना मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी। हालांकि मसूद अजहर का नाम इस लिस्ट में है, जबकि पाकिस्तान अपने यहां उसकी मौजूदगी को नकारता रहा है। पाकिस्तान में 18 अगस्त को जारी SRO को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। पाकिस्तान ने दाऊद को अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर KC285901 भी दे रखा है। सवाल ये है, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि दाऊद इब्राहिम उसके पास नहीं है, तो फिर उसने उसी दाऊद इब्राहिम को ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे दिया? यानी ये तो तय है कि पाकिस्तान शुरू से दाऊद को लेकर दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा है। 2003 में यूनाइटेड नेशनल काउंसिल ने बाकायदा एक ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट जारी की थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था और पता था कराची के क्लिफ्टन रोड पर मौजूद व्हाइट हाउस का, जहां दाऊद रहता है। इसके बाद भारत सरकार ने इन सालों में नामालूम कितने डोजियर पाकिस्तान को दिए, पूरे उसके जुर्म बही खाता का पुलिंदा पाकिस्तान में जमा है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक माना ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम उसके घर में है। अब पहली बार माना है, लेकिन उसके इस मानने का क्या असर होगा, क्या फायदा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि उम्मीद कम ही कीजिए। भारत पिछले 3 दशकों से दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में छिपे होने का न सिर्फ दावा करता रहा है, बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में उसकी मौजूदगी से जुड़े कई ऐसे सबूत भी पेश किए हैं, जिसे UN तक ने स्वीकार किया है। हालांकि एक सच ये भी है कि पाकिस्तान ने सिर्फ दाऊद को लेकर ही झूठ नहीं बोला, अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में छुपे होने को लेकर भी वो तब तक झूठ बोलता रहा जब तक अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर उसे ढेर नहीं कर दिया। 59 साल के दाऊद पर मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने के साथ साथ भारत में कई और आतंकवादी हमलों की साजिश में शामिल होने, मनी लॉन्ड्रिंग और हफ्ता वसूली का रैकेट चलाने, सुपारी लेकर हत्या करने समेत कई संगीन इल्जामों के साथ साथ अलकायदा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए पैसे जुटाने का भी इल्जाम है। दिल्ली में गीता मोहन और मुंबई में शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन UN की सूची जारी करना एक तरह से इस बात की मोहर है कि वो उस सूची में दी गई जानकारी से इत्तेफाक रखता है, और अगर ऐसा नहीं तो फिर उसने सूची क्यों जारी की? भारत लगातार दाऊद के पाकिस्तान की सरजमी पर होने का दावा करता रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक ने बार बार कहा है कि दाऊद का बचना अब नामुमकिन है। भारत का सबसे बड़ा गुनहगार, 1993 के कत्लेआम का मास्टरमाइंड, इंसानियत का शैतान, पाकिस्तान का मेहमान, अब कैसे बचेगी दाऊद की जान? दाऊद इब्राहिम को दबोचने की कोशिशें तो 1993 के बाद से ही जारी हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियों और सरकार की कोशिशें अब जाकर रंग लाती दिख रही हैं। पूरी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान पूरी दुनिया में अभी तक यही ढिंढोरा पीटता रहा कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने UN की सूची खुद ही जारी कर एक तरह से कबूल किया है कि दाऊद उसके देश में ही है, भले ही बाद में वो इससे पलट गया। भारत तो पहले ही जानता था और पूरी दुनिया के सामने दाऊद की पाकिस्तानी मेजबानी का कच्चा चिट्ठा भी सामने रख चुका था, लेकिन सवाल उठता है कि गलती से ही सही पाकिस्तान माना कैसे? तो इसका जवाब उस संकल्प में है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर
आज इस धरती से उठा है, मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। भारत की इस नंबर वन मोस्ट वांटेड को वापस लाने और कानून की चौखट पर खड़ा करने के लिए भारतीय एजेंसियों ने आकाश पाताल एक कर दिया। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर दाऊद के निशान कहां कहां हैं, इसका पूरा ब्यौरा भारतीय एजेंसियों के पास था। शनिवार को पाकिस्तान की इमरान सरकार ने दाऊद के जो पासपोर्ट नंबर बताए वो तो भारतीय एजेंसियों को 5 साल पहले से ही पता थे। 2015 के भारत के डॉजियर में ये नंबर साफ साफ लिखे गए हैं। पाकिस्तान को भले ही कबूल करने में 5 साल लग गए, लेकिन भारत को अपने दावे पर कितना यकीन था ये तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ही बता दिया था। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं। दाऊद इब्राहिम को भी पता है कि उसके गुनाहों का अंजाम कभी ना कभी उसे भुगतना ही है, इसलिए 2019 में मोदी सरकार की वापसी के बाद पाकिस्तान में बैठा डॉन बेचैन हो गया था और ISI से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी। ऐसी खबर है कि दाऊद की इसी फिक्र के चलते ISI ने उसके ठिकाने भी बदले थे, लेकिन उसके हर बदलते ठिकाने की खबर हिंदुस्तान के पास है। पाकिस्तान की रणनीति भले ही FATF के प्रतिबंधों को धता बताने की हो, लेकिन सच तो ये है कि भारत सरकार की घेरेबंदी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के चलते पाकिस्तान को दाऊद एक ऐसा बोझ लगने लगा है जिससे छुटकारा पाने में ही उसकी भलाई है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे चलेंगे, कमलजीत संधु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले आप सूची में डालते हैं, फिर उसके बाद आप पलट जाते हैं, क्या बताना दिखाना चाहता है पाकिस्तान की बहुत पाक साफ है? वैसे कोई हैरानी की बात नहीं है, पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को एक एम्बिगुअस यानी दोहरी नीति अपनाई है। कहने को अपने आप को विक्टिम ऑफ टेरर बताता है, लेकिन दूसरी तरफ से आतंक को ही बढ़ावा देता है। 88 लिस्ट है जो UNSC की तरफ से जारी हुई है और पाकिस्तान ने कहा है कि जो इंडिविजुअल्स नेम किए गए हैं यानी नाम दर्ज हुए हैं उनको भी कंप्लायंस के तौर पे स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर के तहत उन्होंने सूची जारी की है। यानी अपनी तरफ से तो नहीं मान रहे हैं लेकिन वो कंप्लायंस कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी जो पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे उन्हें ग्रे लिस्ट किया गया है और ब्लैक लिस्ट होने की जारी बात की जा रही है, उससे बचने के लिए यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल एक्शन से बचने के लिए ये पूरी मुहिम की गई है। पर खास तौर पे ये पहली बार नहीं है कि दाऊद का नाम दिया गया है। भारत ने लगातार पिछले कई सालों में कई बार डॉजियर दिए हैं और ये डॉजियर इंडिया टुडे और आज तक के पास रहे भी हैं और उसमें पासपोर्ट से लेके एड्रेसेस कई बार उन्हें दिए गए हैं। इमरान खान का एक वीडियो दोबारा वायरल हो रहा है जहाँ पे वो इंडिया टुडे और आज तक के कॉन्क्लेव में आए थे और कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं इस पर एक्शन लूंगा। पर सवाल ये होता है कि पाकिस्तान का रवैया इतने सालों से बदला क्यों नहीं है। कहने के लिए वो कहते हैं कि हम ही विक्टिम हैं और दूसरी तरफ से आतंक को अपनी जगह पे बढ़ावा देते हैं। 1993 का ब्लास्ट एक्यूज रहा है तो दाऊद नंबर वन पे आता है मोस्ट वॉन्टेड के। अगर पाकिस्तान की नीयत इतनी ही साफ होती तो उन्हें पहले तो मानना होगा कि दाऊद वहां पे है, व्हाइट हाउस का एड्रेस है, उसके अलावा 6 और एड्रेस दिए गए हैं दाऊद के, उसका बिजनेस वहां पे चलता है, ये सब बच्चा बच्चा तक जानता है, लेकिन पाकिस्तान इसे कबूलने के लिए तैयार नहीं है। तो खास तौर पे बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, सबको मालूम है कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है और वो इस तरह से अपने आप को सीधा सीधा एक्सपोज ही करता है। आपने सही जिक्र किया कमलजीत, क्योंकि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में खुद ये बात इमरान खान ने कही थी, हालांकि उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन अब उसी कुर्सी पर काबिज हैं। तो क्या ये माना जाए कि मजबूरियां हैं प्रधानमंत्री की, सरकार प्रधानमंत्री या फिर इमरान खान नहीं चला रहे, सरकार सेना चला रही वहां पर और इसीलिए पलटी भी मार लेते हैं, पहले लिस्ट जारी होती है, कबूल किया जाता है, फिर उसके बाद इनकार हो जाता है।
देखिए दोहरी नीति अभी की नहीं है, पाकिस्तान में सेना और आईएसआई काफी हद तक सरकार को चलाते हैं और कई हद तक ये भी कहा जाता है कि इमरान खान भी उन्हीं के इशारे पे चलते हैं। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसामा बिन लादन से लेकर दाऊद तक हर कोई पाकिस्तान में पाया जाता है और इस वजह से अब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, और ये हम आपको बता दें कि कई चार्जशीट फाइल हुई है, इन्वेस्टिगेशन अनेक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी चार्जशीट में साफ साफ पाकिस्तान का रोल आया है। कहीं कोई आतंकी हमला होता है, चाहे कश्मीर में हो चाहे बाहर हो, उसका एक ऑडियो जारी होता है, उसका जो आईपीएल लिंक है वो पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से तार जोड़े जाते हैं सबूतों के साथ, भारत ने हमेशा कोशिश की है कि जितना एविडेंस है वो दिया जाए, पर उसके बावजूद अगर हम बात करें काफी हद तक पाकिस्तान ने डिनायबिलिटी रखी है और अब वो घेरने आता जा रहा है और भारत की तरफ से लगातार प्रेशर जारी है। जी जी कमलजीत, नजरा बनाए रखिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कमलजीत संधू जिनसे हम बात कर रहे थे। बहरहाल मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद पर पाकिस्तान पलट गया, लेकिन उसकी हर चाल बेनकाब होती जा रही है। पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि वो आतंकियों की पनाहगाह है, आतंकियों की शरण स्थली है, और जब उस पर दबाव था FATF का, क्योंकि उस पर आर्थिक पाबंदी लग जाती, तो मजबूरी में उठाया गया कदम है। ऐसे तो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन भी अब्टाबाद में छुपा था, पाकिस्तान मानता नहीं था। अब जब दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान ने मान लिया तो तुरंत दाऊद इब्राहिम को, जो मुंबई ब्लास्ट का मुख्य हमलावर है, भारत के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, उनको आर्मी चलाती है, उनको ISI चलाती है। तो एक तो साफ झूठ कि दाऊद इब्राहिम का जो सच था जो पाकिस्तान में नहीं है वो बाहर आ गया है, और इसके साथ आने वाले समय में हम खुद देख लेंगे कि पाकिस्तान अपनी बातों पे कितना सही उतरता है। आज तक नहीं उतरना, आगे भी उतरने वाला नहीं। तो पाकिस्तान भले ही पलटी मार गया हो, लेकिन आज तक ने 9 साल पहले यानी कि 2011 में कराची में दाऊद इब्राहिम का घर ढूंढ निकाला था। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। टी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, आज तक आपने सुना होगा कि कराची में रहता है दाऊद। कराची के क्लिफ्टन रोड में है दाऊद का ठिकाना, आपने ये भी सुना होगा। लेकिन आज तक आपको दिखाने जा रहा है डॉन का वो घर जहां पिछले कई सालों से देश के मोस्ट वांटेड ने बना रखा है अपना आशियाना। जी हां, दिल थाम कर बैठिए, टीवी पर पहली बार दिखेगा दाऊद का घर। इस वक्त हम उस रोड के साथ सामने से गुजर रहे हैं जिस रोड के ऊपर दाऊद इब्राहिम, जिसको यहाँ पे मुच्छड़ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका घर मौजूद है। ये घर जो इस वक्त मेरे उल्टे हाथ पे आ रहा है, ये सफ़ेद रंग का घर जो वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये दाऊद इब्राहिम का घर है। कुछ अरसा पहले उन्होंने अपनी की मेहंदी इसी जगह पे की थी, जिसकी और ये बात हमें यहाँ के जो आस करीबी जो हॉस्पिटल है, पार्क लेन हॉस्पिटल नाम है इसका, जिसकी दीवार उस घर के दीवार के बिल्कुल साथ लगी हुई है। इस घर में इन लोगों ने ये बात कंफर्म की है कि इसी जगह पे वो फंक्शन किया गया था, जो फंक्शन दाऊद इब्राहिम की हिंदी और माइयों का फंक्शन था। उसके अलावा इस घर की एक खासियत ये है कि इसकी दीवारें यूजुअल एक नॉर्मल घर से ज़्यादा ऊंची हैं। इस घर की दीवारों की टॉप के ऊपर जो है वो बाब वायर्स और लोहे की कांटेदार उन्होंने एक लेयर लगाई है। उसके अलावा इस घर के ऊपर अगर देखें तो कम से कम 6 सैटेलाइट डिशेस इस घर के ऊपर मौजूद हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये घर जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर आता है और ये उस स्ट्रीट पे मौजूद है जिस स्ट्रीट के ऊपर तकरीबन घर और तकरीबन ऑफिसेज वो या तो काउंसलेट्स के हैं या तो डिप्लोमेट्स की ऑनरशिप के अंडर आते हैं।
लेकिन सिर्फ एक ये वाहिद घर है जो एक प्राइवेट बंदे की ओनरशिप में है। मुझे यहाँ के जो कुछ लोकल्स हैं और कुछ जो जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे इस तरह का जो फंक्शन की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो जब हुआ था तो कम से कम 2 से 2500 लोग यहाँ आए थे, और ये माना जाता है कि इस यहाँ पे शायद दाऊद इब्राहिम भी कभी आते हों तो वो इस जगह पे रुकते हैं। उसके अलावा ये घर जो है इसके बिल्कुल सामने ब्रिटिश हाई कमीशन का ऑफिस है। थोड़ा सा उस तरफ और साइड पे चले जाइए तो वहाँ पे इटालियन काउंसलेट है। इस तरफ चले जाइए तो यहाँ पे और जो है वो डिप्लोमेट्स की काउंसिल जनरल्स के ऑफिसेज हैं। ये मज़ार जो है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, उससे तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के फासले पर है। इस स्ट्रीट में कोई भी कमर्शियल ट्रैफिक अलाउड नहीं है, इस स्ट्रीट के ऊपर कैमरा शूटिंग्स अलाउड नहीं है, इस स्ट्रीट के ऊपर हाई सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें पुलिस रेंजर्स और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशल्स होते हैं जो प्राइवेट कपड़ों में होते हैं वो यहाँ पे इजीली आपको नज़र आते हैं मूव करते हुए। उसके अलावा ये एरिया जो है सऊदी मॉस्क जिसके बारे में कहा जाता है वो इसका करीबी लैंडमार्क है। उसके अलावा गिनवा भुट्टो जो पीपल्स पार्टी की लीडर लेट बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली मेंबर हैं, उनका घर भी इसी स्ट्रीट के ऊपर मौजूद है। इस स्ट्रीट के दोनों एंड्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो खाली बसेस को और ट्रैफिक को ही नहीं कंट्रोल करते बल्कि यहाँ के अंदर आने जाने वाली मूवमेंट भी मॉनिटर करते हैं। ये घर इस एरिया ऐसे एरिया के अंदर मौजूद है जिसके जो अथॉरिटी है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उनके नॉलेज में यहाँ के हर घर की इंफॉर्मेशन होती है। इन घरों की अलार्म सिस्टम्स, इन घरों की सिक्योरिटी सिस्टम्स उनकी जिम्मेदारी होती है प्रोवाइड करने की। तो इस घर के ऊपर भी इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो अलार्म सिस्टम्स होंगे, उनकी सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से दिए गए होंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायर्ड आर्मी और रिटायर्ड फौज के ऑफिशियल्स को मिला के बनाई गई है, जो एक एक लैंडिंग यहाँ पे जो प्लॉटिंग हुई थी, जो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की, उसको मैनेज करते हैं। उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे ऑपरेशंस उनके अंडर कंट्रोल होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो ये घर जो दाऊद इब्राहिम का कहा जाता है, और यहाँ पे कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम को इतना कंफर्ट जोन मौजूद था कि उन्होंने अपनी शादी का फंक्शन भी इसी जगह ऑर्गेनाइज करवाया और यहाँ पे अपने सारे गेस्ट को इनवाइट भी किया, उसको पूरा सेलिब्रेट भी किया। ये एक ऐसे एरिया में कैसे हो सकता है जहाँ पे इतनी एक्सट्रीम सिक्योरिटी पाई जाती है, वो भी कराची के उस एरिया के अंदर जो शायद कराची का सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट एरिया कंसिडर किया जाता है। तो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कराची में है, इस बात को भारत सरकार पहले दिन से कहती आ रही है और आज तक आपको काफी पहले से दिखाता भी आ रहा है। हम आपको दिखाते हैं कराची के अपने महलनुमा बंगले में कितने आलिशान तरीके से जिंदगी जी रहा है दाऊद और सुरक्षा के किन 7 पहरों के पीछे रहता है दाऊद। यह पाकिस्तान का कराची शहर जहां से ऑपरेट कर रहा है दाऊद इब्राहिम का गिरोह। वैसे तो कराची की इन गलियों में ट्रैफिक की मारामारी रहती है, लेकिन जब दाऊद का काफिला निकलता है तो गलियां और सड़कें खाली करा ली जाती हैं। यह जलवा है डॉन का। जी हां, कराची के क्लिफ्टन इलाके में अपने बंगले से जब दाऊद का काफिला निकलता है तो सड़कों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दाऊद के काफिले में एक ही रंग की ज्यादातर लैंड क्रूजर गाड़ियां हैं। अपने काफिले में किस तरह की सुरक्षा का बंदोबस्त करता है डॉन, सुनिए ओपी चटवाल की जुबान से। बताते हैं बड़ा लंबा काफिला है गाड़ियों का, 10-15 गाड़ियां लैंड क्रूजर चलती हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। ये बातें कितनी सही हैं, क्या है, किस तरह? काफी हद तक सही है क्योंकि सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि जो सुरक्षित व्यक्ति है, प्रोटेक्टेड व्यक्ति है,
वो किस गाड़ी में चल रहा है दूसरे लोगों को पता ना चले, इसलिए ये नॉर्मल प्रैक्टिस के हिसाब से 6-7 गाड़ियां कम से कम चलती हैं, और ये नहीं एक जैसी गाड़ियां चलती हैं भाई, पता ना चले कि दाऊद किस में चल रहा है। दाऊद इब्राहिम को जहां कई देशों की खुफिया एजेंसियों से एनकाउंटर का अंदेशा है, वहीं अपने जानी दुश्मन छोटा राजन से भी हमले का खतरा है। यही वजह है कि डॉन चाहे अपने बंगले के अंदर दाखिल हो रहा हो, चप्पे चप्पे पर कमांडो और प्राइवेट गार्ड्स तैनात रहते हैं। और बंगले के बाहर सड़कों पर भी उसकी सुरक्षा बेमिसाल है। कहा तो ये ज्यादा है कि ISI की देखरेख में ही उसको सिक्योरिटी प्रदान की हुई है, और उनके गनर्स के पास AK-47 सब तरह के मॉडर्न हथियार उनके पास है, हर तरह के मॉडर्न हथियार। तो हर वक्त 30-40 लोगों का घेरा रहता है, जितनी जरूरत हो 30-40 कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, जैसी आवश्यकता हो उनको सिक्योरिटी प्रदान की हुई। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद की सुरक्षा हमेशा 3 घेरों में रहती है। डॉन की हिफाजत का पहला घेरा उसके शूटर छोटा शकील और भाई अनीस के जिम्मे ही रहती है। शकील कभी भी पिस्तौल के बगैर घर से कदम बाहर नहीं रखता। दूसरे घेरे में डॉन के रिश्तेदार या उसके गुर्गे ही रहते हैं, जिन्हें AK-47 और कार्बाइन से लैस पठानी सूट में देखा जा सकता है। और तीसरे घेरे में वर्दीधारी कमांडो रहते हैं, जो उसे ISI की मेहरबानी से मिले हैं। चटवाल साहब, क्या कोई सिक्योरिटी सर्विस, क्या कोई सुरक्षा एजेंसी भी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में खोली है, ऐसी कोई ऐसी सूचना मिली थी कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चल रही है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, और शायद उसमें दाऊद भी पार्टनर है स्वयं भी। ये सुरक्षा एजेंसी कौन लोग चला रहे हैं? ये जो पता चला है, आर्मी के रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सोल्जर्स, वो लोग चला रहे हैं।